किरण, दरोगा को पिस्टल चेक करते लगी चोट, अस्पताल में हुए भर्ती। मेरठ के थाना कंकड़खेड़ा में एक जगह कहासुनी को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने झगड़े के दौरान एक पिस्टल मौके से बरामद की थी। वही पिस्टल के साथ युवक को थाने कंकड़खेड़ा ले जाकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया था। लेकिन आज थाने में दर्ज पिस्टल की एक दरोगा चेकिंग कर रहे थे, जहां चेकिंग के दौरान पिस्टल से दरोगा के पांव में चोट आ गई। बताया जा रहा कि दरोगा का नाम राहुल कुमार है और जो कि कंकड़खेड़ा की शिव चौक चौकी पर तैनात है। पुलिस ने दरोगा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं दूसरी तरफ मेरठ एसपी सिटी रणविजय सिंह का कहना कि असले के रखरखाव के चलते असला दरोगा के पांव पर गिर गया, जिससे उनको मामूली चोट आई है। बाकी सब तथ्यों की जांच करवाई जा रही। यहां बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एक दरोगा असले जैसी चीज को अपने पांव पर गिरा दे और उससे इतनी चोट आ जाए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़े, ये कुछ संदेहजनक स्थिति उत्पन्न करता है। एक दरोगा जी का गोली लगी, क्या पूरा मामला? देखिए, कल थाना कंकड़खेड़ा में एक जगह पे मारपीट हुई थी, उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उसमें जो व्यक्ति मारपीट में असलहे का प्रयोग किया था, उस असलहे को जब्त किया गया था। उसके साथ अपराधी भी गिरफ्तार किए गए थे। उस असलहे को हैंडल जब कर रहे थे तो उसमें संभवतः जब फर्द बना रहे थे उसी समय थोड़ी सी कोई चोट उसे कोई संभवतः उसके फायर होने से या किसी तरीके से उसके पैर में थोड़ी सी खरोच से चोट आई है, बाएं पैर में। कोई विशेष बात नहीं है, उसको हम लोग दिखवा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।